please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बाद अब शोएब अख्तर ने भी कश्मीर को लेकर बयान दिया है। अख्तर ने सलमान खान की जमानत के बहाने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा और कहा कि दोनों देश की सरकारों को इस मसले पर बात करनी चाहिए। अख्तर ने ट्वीट कर लिखा कि आखिर कब तक हम लोग खून खराबे के माहौल में जिएंगे। शोएब अख्तर के मुताबिक क्या हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में रखना चाहते हैं। शोएब अख्तर का मानना है कि भारत और पाकिस्तान जैसी नफरत दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के डॉक्टर एक बुजुर्ग मरीज को ट्रॉफी देकर सम्मानित करते नजर आए। वहां अस्पताल के रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट ने बीमारी का डटकर मुकाबला करने वाले मरीजों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित किया, जिसके दौरान रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने कई मरीजों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस बीच अपनी गंभीर बीमारी से लड़कर उसका मुकाबला करने वाले एक मरीज को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड पाने के बाद उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की तारीफ की। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड द थेरेपिस्ट्स। मरीजों के लिए आयोजित इस खास समारोह में लंबे अरसे से गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को शामिल किया। इतनी मेहनत करते हैं पेशेंट और डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, सब पूरा मेहनत करके इनको नॉर्मल लाइफ करते हैं यानी बैक टू नॉर्मल, तो उनको एक तरह से हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया है। इनमें कैंसर, हार्ट और हड्डियों की बीमारी समेत तमाम गंभीर रोगों से पीड़ित करीब 200 मरीजों को बुलाया गया, जिनमें 18 को सम्मानित किया गया। और बीमारी से लड़ने के उनके हौसले और इलाज के दौरान रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का पूरी संजीदगी के साथ पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। अस्पताल का कहना है कि मरीजों को सम्मानित करने का मकसद दूसरे मरीजों में उम्मीद जगाना भी है, क्योंकि अक्सर गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीज लंबे इलाज के समय हौसला हार जाते हैं, लेकिन इन मरीजों को देखने और जानने के बाद दूसरे मरीजों को अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरों को भी मैसेज मिले सोसाइटी में, दूसरे पेशेंट्स जो थे कि अरे उनको ये तकलीफ हुई, मुझे भी ये सेम तकलीफ है और उनको ये तकलीफ होकर वो इतने अच्छे हो गए तो मैं भी अच्छा हो सकता हूँ। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ये मरीज उनके लिए घर के सदस्यों की तरह हैं, जिनका ख्याल रखना उनका फर्ज है। ये पेशेंट्स को हम हर हफ्ते में 2-3 बार मिलते जाते हैं तो हमारा फैमिली जैसा होता है और ये फैमिली वातावरण से पेशेंट को भी काफी एनकरेजमेंट मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मरीजों ने अपनी बीमारी और उससे लड़ने के जज्बे को भी सबके साथ साझा किया। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। बीती रात बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र उर्फ तार बाबू कई हत्याओं में आरोपी है। बदमाश तार बाबू के पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सुरेंद्र के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। हमारी पुलिस नाकाबंदी, गाड़ाबंदी और बदमाशों की तलाश में मूवमेंट में थी, उसी दौरान एक बदमाश जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस थाना सिकंदराबाद के द्वारा जब उसको रोका गया कि चेकिंग के लिए, तो उसने तुरंत ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का जवाब पुलिस के द्वारा दिया गया, जिसके तहत उस बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको घेर करके पुलिस के द्वारा, सिकंदराबाद पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पंजाब पुलिस में अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अनुशासनहीनता कर रहे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही गृह सचिव और राज्य के डीजीपी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल पंजाब के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में राज्य के डीजीपी सुरेश अरोड़ा और वरिष्ठ आईपीएस दिनकर गुप्ता पर संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि मामला बढ़ता देख अब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के अधिकारों में कटौती करते हुए एचआरडी विभाग में उनके साथ एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी की तैनाती कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि राज्य में 2 अप्रैल को दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए साजिश रची गई थी और आंदोलनकारियों को फंडिंग की गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि कुछ सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए पैसे दिए गए थे। अभी पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि भारत बंद के दौरान हिंसा भड़के। दरअसल 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान एमपी के ग्वालियर और चंबल इलाके में हुई हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे आंदोलन के संबंध में जो भी
जानकारियां हैं या किसी ने कोई हिंसक घटना करने के लिए यदि इंसाइट किया है उसके संबंध में जानकारी विवेचना के दौरान इकट्ठा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की सरदार पटेल से तुलना की है। गुजरात दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ ने कहा, लौह पुरुष सरदार पटेल के नेतृत्व में जिस तरह देश ने नई अंगड़ाई ली थी, उसी तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है। गुजरात ये धर्म की धरती है। आप सब जानते हैं आजादी के तत्काल बाद सौराष्ट्र की धरती पर जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे तो उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ये संकल्प देश के अन्य भागों में भी लिया जा सकता था लेकिन ये गुजरात की माटी का प्रभाव है, ये गुजरात का प्रभाव है, ये धर्म की धरती है और धर्म की धरती ने ही जब जब इस राष्ट्र पर संकट आया है तो कभी बापू के नेतृत्व में, कभी लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और इस देश को एक नेतृत्व दिया और ये देश आज उसी प्रकार से एक लौह पुरुष के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की ऊंचाइयों पर उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में कभी हम सपना देखते थे।